के जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जहां सुंदर नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन। पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, काल बस कर बातचीत रात गई भी तेरे सामने, सवेरा तेरे सामने जीत। हाय रे ये स्ट्रगल, ये माइनस, हे भगवान इतना माइनस क्यों इस दुनिया में, क्या सारा माइनस मुझे ही मिलता है, क्या ऐसा ही मेरे साथ हमेशा ही होता है। जी हाँ, तो वो यहाँ पे आज ये वीडियो माइनस वीडियो कंपाइलेशन है, जहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा गेम प्ले एकदम बकवास द मॉन्टाज क्लिप में हो जाता है, मतलब जहाँ पे मैं बहुत बुरा पिटता हूँ। तो भाई तुमने इंट्रो में कुछ क्लिप देखी होगी, इंट्रो मतलब मॉन्टाज में, जहाँ पे मैं गंदा पिटा हूँ, बट नहीं वो सिर्फ इतनी ही क्लिप नहीं है, ये पूरा गेम प्ले ही इसी पे डिपेंड करता है, कहाँ मैं पिटता हूँ, कैसे कितना गंदा पिटता हूँ। तो भाई सबसे पहला गेम प्ले, सबसे अनोखा गेम प्ले, यहाँ पे मिलिट्री बेस का लैंड करता हूँ और यहाँ पे जैसे आता हूँ यहाँ पे काफी बंदे होते हैं। तो भाई यहाँ पे इन बंदों पेलने के बाद मुझे साउंड आती है सामने साइड से, यहाँ पे फुटस्टेप आए हैं, ये बॉट होता है, और तभी यहाँ पे एक बंदा भाई यहाँ से अंदर से निकलता है और इसने 3 M249 के हेड में को छिपका दिया है। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे कुछ बंदे बोलेंगे हैकर है, बट नहीं वो हेडर्स होते हैं भाई जो हैकर बोलते हैं, ये बंदा लेजिट था। इसको पेलने के बाद मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ गाड़ी पकड़ के और सीधा यहाँ पे सारे कंपाउंड में आता हूँ। माँ कसम भाई यहाँ पे मेरी फटके 4 हो गई थी, 4 नहीं 64 हो गई थी, 64x4 हो गई थी भाई। यहाँ पे एक गंदा कैंपर से बैठा हुआ था, उसे काफी गंदा मतलब फायर किया, बट भाई मैंने उसको पेल ही दिया। एंड फिर यहाँ पे देखो क्या ही स्कैम हुआ मेरे साथ, रोटेशन लेते वक्त एक बंदे ने भाई यहाँ पे हार्ड स्कोप करके बैठा हुआ था मेरी गाड़ी पे, और जैसे मैं निकला उसे 2 शॉट चिपका दी मिनी 14 के। अब देखो भाई यहाँ पे मैं लो हूँ और मैं यहाँ पे रोटेशन ले रहा हूँ, और इतना कुछ कम नहीं था, टेंपल में एक बंदा था AKM वाला, उसने हेड छुपा दिया और पेल दिया। तो भाई 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 भाई, ये बहुत गंदा स्कैम हुआ मेरे साथ। और यहाँ सबसे पहला मैच, ये कल का मैच है और यहाँ पे मेरी बोनी लग चुकी थी, मतलब मेरे लौड़े लगने वाले लग चुके थे। अब भाई यहाँ पे मेरे को काफी गंदा मैच पड़ने वाला है, वो भी कंटिन्यूसली। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट गेम बोलते हैं, मैं यहाँ पे टेंपल ब्लाइंड करता हूँ और मर के आ चुका था, मतलब रिकॉल मैं जो भी क्रिस्टल चाहता हूँ वो यूज हो चुका था, और यहाँ पे टेंपल ब्लाइंड करता हूँ, आराम से लूट करता हूँ और गाड़ी पे जा रहा हूँ रोटेशन लेने। तभी भाई यहाँ पे बाइक वाला बंदा आता है और मैं जस्ट सामने आके रुक जाता है। अब देखो यहाँ की फाइट, ये बंदा काफी मेरे फाइट कर रहा होता है, तो भाई यहाँ पे बंदा गाड़ी फोड़ने में लग गया था, मैं हल्का से पीछे आया ताकि मैं गाड़ी से फुटते मैं भी ना फुट जाऊं, बट भाई इसका गोली कनेक्ट हो गई, मैं फिनिश। तो भाई यहाँ पे मतलब कोई टिश्यू दे दो यार, बड़ा गंदा रोना आ रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं पिट जाता हूँ और नेक्स्ट गेम पे तय बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे रोटेशन ले लूँ अपनी कूप से और यहाँ पे जाता हूँ टेम्पल पे। अब देखो भाई यहाँ पे मैं जैसे ही गया, यहाँ पे 2-3 बंदे होते हैं, मैं यहाँ पे भरता बन जाता है।
मैं यहाँ पे आराम से टीपी लेके देख रहा हूँ कि बंदे कहाँ पे हैं, बट भाई यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट देखो, यहाँ पे क्या हुआ? मैं पीछे वाले कंपाउंड में, यहाँ पे एक बंदा होता है, उसे काफी गंदा डैमेज दिया और ये अंदर मेरे पे रेस्ट कर देता है। और माँ कसम भाई, अगर यहाँ पे यूजी पे मैग होता ना, मैं इसकी भुंड फाड़ देता। बट भाई यहाँ पे यूजी मैग होता नहीं है और मेरी लोड हो जाती है यूजी और मेरे को इस बंदे ने पेल दिया। और माँ कसम ये बंदा क्या ही बोलूँ भाई, हर एक बंदा नमूने है भाई। तो भाई यहाँ पे इस बंदे से पिटने बाद सेम, अब तुम सोचो कि मैंने यहाँ पे एडिटिंग करके गाड़ी कलर चेंज कर दिया है, बट नहीं भाई, ये गेम प्ले दूसरा है। मानना कि मैं पिटता वैसे ही हूँ, बट दूसरा गेम प्ले है। मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ, टेम्पल पे सेम जाता हूँ, बट भाई यहाँ पे मैं टेम्पल पे जाना नहीं था, यहाँ पे भी गाड़ी पलट जाती है। और यहाँ पे एक बंदा चौड़ चौड़ में रश करता है और मैं इसको आराम से पेल दिया। मैं सोचा आराम से टेम्पल में लूट करूंगा, बट नहीं भाई, यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं एग्जैक्ट। एक बंदा आता है, एक बंदा पहले से आता है बाय द वे। और जो ये कूप वाला बंदा ना, ये बंदा यहीं पे रुकने सोच रहा है और यहीं पे रुकता भी है। और जस्ट मेरे पीछे मेरी साउंड आती है कि एक और बंदा है। और इतना कम नहीं था, इतना कम नहीं था कि भाई यहाँ पे ये जो चमगादड़ है ये भी मेरे पीछे पड़ जाता है। मुझे यहाँ पे साउंड आ रही है बंदा मेरे सामने, और मैंने यहाँ पे प्री फायर देने के लिए यहाँ पे थॉम्स उठा ली थी। अब देखो भाई, यहाँ पे बंदे पे मॉली करूंगा और मैं सोचा बंदा डैमेज हो गया या नॉक हो गया या फिनिश हो गया तो काफी सही रहेगा। और तभी मुझे पीछे साउंड आता है कि ये क्यूब वाला बंदा जिसमें क्लोज में आ चुका है और मैं यहाँ पे सैंडविच होने वाला है। तो भाई यहाँ पे स्कूप वाले बंदे को पीने के बाद, अब वो जो बंदा था, इस बंदे पे मैं रश करता हूँ और ये बंदा जस्ट उसके पीछे है, मैं यहाँ पे इग्नेट किया। अब देखो यहाँ पे स्कैम, ये बंदा सिर्फ डैमेज होकर पीछे साथ भाग जाता है और बंदा डैमेज हो चुका था। अब देखो यहाँ पे मैं रश करता हूँ, व्हाट द फक, ये हुआ क्या भयंकर। मां घन तो यहाँ पे स्लो मोशन में देखो, यहाँ पे मैं इस बंदे को कितना गंदा डैमेज दिया, बट पिटा कौन मैं, स्लो मोशन देखो भाई, मैं यहाँ पे थॉमसन की 3 से 4 बॉडी मार दी, बट बंदे ने यूजी मारा और तुरंत पेल दिया। मैं सोचो भैंक इसमें आत्मा आ गई क्या, या बंदे की पिंग हाई थी या मेरी लौड़े लगे पड़े थे, भैंक किस्मत टट्टी है। तो भाई यहाँ पे मेरे को काफी गंदा मैच पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग में रहा था। मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ और थर्ड जोन के सेंटर में आता हूँ फुल करने, और तभी मुझे साउंड आती है नीचे साइड से कुछ रोटेशन जा रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मतलब रश करने मतलब इन द सेंस स्प्रे ले जाता हूँ। बट ये जो बग्गी वाला बंदा है जो समय पीछे से आ जाता है और मेरे ऊपर ही रश करने, वाह। इस बंदे को मैंने आराम से पेल दिया, बट जो पीछे साइड बंदा था वो मेरे पे फायर करता है। और देख लो भाई, इस बंदे पे यूएमपी है बट स्टिल कम से कम मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर और मेरे पे फायर ले रहा है। तो भाई मैं इतना समझ गया था बंदे के पास यूएमपी, कोई मतलब दम नहीं है बंदे में। मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ और पहले देख लो मैं स्मोक कर रहा हूँ, कवर में हूँ, सब कुछ एकदम प्रिकॉशन तो फुल है। भाई ये स्मोक का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, मांग कसम इस बंदे में स्मोक के आर पार हेडशॉट से पहला है, वो भी यूएमपी के, वो भी इतना दूर से। हे भगवान, इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे स्पेशल लोगों के लिए भाई नरक में अलग से एक पाथ होता है जहाँ पे कुछ ज्यादा टॉर्चर होता है। तो भाई यहाँ पे इस बंदे पता नहीं कैसे पेल दिया, मुझे तो गारंटीड ले लो भाई हैकर लगा है, वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, कॉन्फिग फाइल वाला बंदे की 2 की केडी है, मुझे हैकर बोलती है सलम आ रही है, मां कसम से केडी तो मेरी है, 4.5 की है उसके आसपास। तो भाई यहाँ पे इस बंदे में स्मोक आर पार, वो भी हैशॉट से पेल गया है। चलो क्या ही बोला जाए, कॉन्फिग फाइल वाला बंदा लग रहा है मुझे तो। चलो इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। यहाँ पे देखो भाई, 7 किल हो चुके हैं, 4 जोन बन चुका है और किल की कोई कमी नहीं, पोजिशन में कोई कमी नहीं। मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ और मेरे पे कितना सस्पिशियस फायर आता है भाई, एक के एम से इतना दूर में उस बंदे मेरे को पेल दिया, वो भी हेडशॉट से, वाह, तालियां बनती है।
रोना नहीं है। तो भाई यहाँ पे इस बंदे पास डीपी भी होती है, एके में होती है, बट इस बंदे में भी पेला किससे? एकेएम से। और इतना दूर में पेला है, गाड़ी मतलब चलती हुई गाड़ी में पेला है। भाई क्या ही बोलूं, अरे भाई कोई शर्म वरम होती नहीं होती। और बंदे की एक की केडी है और किले है 3। वाह भाई वाह, हे भगवान, एक ही केडी वाले मतलब कैसे पिट रहा हूँ भाई मैं इनको, हैकर बोलने में भी शर्म आ रही है। चलो भाई क्या ही बोला जाए, आज का नहीं है वैसे, कल से ही हो रहा है ये मेरे साथ सीन, कल और आज मतलब डेढ़ दिन तट्टी थे मेरे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चाहे सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Suck my soul, I need some spiritual healing.